हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पर। स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं, मैं शुभम सरथालिया एक और विषय पे, एक और टॉपिक पे बात करने के लिए आ गया हूं। दोस्तों, आप चाहें तो इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, आप मुझसे यहां पर पूछ सकते हैं। दोस्तों, जिस विषय पे हम बात करने वाले हैं वो संबंधित है भारतीय रेलवे के साथ। भारतीय रेलवे ने हाल ही में ये घोषणा करी है कि जो रेलवे में गार्ड का पद है, गार्ड की जो पोस्ट है, उसको रीडेजिग्नेट करके ट्रेन मैनेजर कर दिया जाएगा। आप सभी ने जीवन में ट्रेन ट्रेवल जरूर किया होगा, तो ट्रेन के अंदर एक रेलवे के अधिकारी रहते हैं जिनको ट्रेन के गार्ड कहा जाता था, लेकिन अब उनके डेजिग्नेशन को, उनके ओहदे को बदल करके ट्रेन मैनेजर जो है वो कर दिया जाएगा। विस्तार से इस पूरे के पूरे आर्टिकल पे चर्चा करेंगे। क्यों ये ऑर्डर जो है वो रेलवे द्वारा किया गया है, क्या इसके मायने हैं, इन सभी चीजों को विस्तार से समझेंगे। दोस्तों, अगर आप सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी आप कर रहे हैं 2022 के यूपीएससी एग्जाम के लिए, बेहतरीन स्मार्ट कोर्स studyiq.com या studyiq की ऐप पर आपके लिए शुरू किया गया है। इस कोर्स में एनरोल करें और अपनी प्रिपरेशन को बहुत बेहतर बनाएं। तो भारतीय रेलवे ने हाल ही में ये घोषणा करी कि जो ट्रेन गार्ड हैं उनको अब उनके पद को नामित करके ट्रेन मैनेजर उनको कहा जाएगा। ये जो रिवाइज्ड डेजिग्नेशन है, इट इज मोर इन कॉन्सोनेंस विद देयर एग्जिस्टिंग ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड विल इंप्रूव द मोटिवेशन लेवल ऑफ गार्ड विच विल बी कॉल्ड एज ट्रेन मैनेजर्स नाउ। तो क्या है कि अगर हम बात करें इनके रोल की, तो इनका रोल दरअसल जो है वो पूरे की पूरी ट्रेन का प्रबंधन करना है। तो ये एक रेलवे की तरफ से अथॉरिटी रहते हैं ट्रेन के अंदर, जो ये सुनिश्चित करते हैं कि ट्रेन के अंदर सभी प्रकार के ऑपरेशंस जो है वो सही ढंग से चलते रहें। तो मोर और लेस इनका जॉब जो है वो ट्रेन के मैनेजमेंट का था। ट्रेन मैनेजर के रूप में ये ऑलरेडी काम कर रहे थे, लेकिन इनके डेजिग्नेशन को गार्ड कहा जाता था। अब प्रॉब्लम यहां पर ये थी कि गार्ड जो है इसको कंपेयर करके देखा जाता था सुरक्षा कर्मी के साथ, यानी कि जो किसी कॉरपोरेट कंपनी में किसी के घर पे जो व्यक्ति सुरक्षा करने का काम करते हैं उनको गार्ड कहा जाता है। तो इस पोजीशन को उस गार्ड के साथ में जो है वो कंपेयर किया जाता है, जिस वजह से कहीं ना कहीं ये इनके काम के अनुसार, इनके औहदे के अनुसार जो है ये डेजिग्नेशन सही नहीं बैठता था। तो काफी लंबे समय से ये मांग जो है वो रेलवे कर्मचारियों द्वारा की जा रही थी कि गार्ड की पोस्ट को जो है वो बदला जाए। तो आपने जरूर देखा होगा इस तरीके की ड्रेस में, हाथ में ये इस तरीके का हरे रंग का झंडा लिए या लाल रंग का झंडा लिए जो है एक अधिकारी ट्रेन, हर ट्रेन के अंदर आपको मिलेंगे। तो ये एक लंबे समय से एक मांग जो है वो चल रही थी। उन लोगों को लगता था, इंप्लॉयज को लगता था कि जो एग्जिस्टिंग डेजिग्नेशन है वो आउटडेटेड हो चुका है, वो पुराना हो चुका है। कंसर्न्स इस बात को लेकर के भी थे कि जो गार्ड है इट वॉज अ मिस कॉन्स्टिट्यूट बाय द पब्लिक विच अज्यूम देम दे वर गार्ड इन अ प्राइवेट फॉर्म। जिस तरीके से किसी के घर पे या किसी ऑर्गेनाइजेशन में जो सुरक्षा के लिए सिक्योरिटी गार्ड्स लगाए जाते हैं, तो उनके साथ में इनको कई बार लिंक करके देखा जाता था, जो कि इनकी पोजीशन को थोड़ा सा इंफीरियर बना देता था। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने ये फैसला जो है वो कुछ दिन पहले लिया है। तो अब जिनको पहले असिस्टेंट गार्ड कहा जाता था वो असिस्टेंट पैसेंजर ट्रेन मैनेजर कहलाएंगे। जो गुड्स गार्ड थे, यानी कि जो मालगाड़ी के अंदर रहते थे, वो गुड्स ट्रेन मैनेजर होंगे। जो सीनियर गुड्स गार्ड है वो सीनियर गुड्स ट्रेन मैनेजर होंगे। सीनियर पैसेंजर गार्ड जो है वो सीनियर पैसेंजर ट्रेन मैनेजर होंगे। और मेल या एक्सप्रेस ट्रेन में जो गार्ड थे वो अब मेल या एक्सप्रेस ट्रेन मैनेजर कहलाएंगे। यानी कि वो सारे के सारे डेजिग्नेशन जिसमें गार्ड शब्द आता था, अब वो गार्ड शब्द बदल करके ट्रेन मैनेजर कर दिया गया है। अब इससे हुआ क्या, क्योंकि जो एम्प्लॉयज थे उनकी तरफ से ये डिमांड थी कि उनको लगता था कि ये गार्ड शब्द जो है वो उनके पोजीशन के साथ में सही नहीं बैठता है। तो एक मोराल बूस्टिंग उनकी जो है वो इससे होगी, जब उनको लगेगा कि नहीं, उनकी मांग को अब मंजूर कर दिया गया है और अब दे आर नो मोर कॉल्ड एज द गार्ड बट दे आर कॉल्ड एज द ट्रेन मैनेजर। तो उससे क्या होगा कि एक मोटिवेशन जो है उन लोगों में आएगा थोड़ा बेहतर काम करने का, कि उनकी इतनी बड़ी डिमांड को जो है वो मान लिया गया है। और सबसे सही बात यहाँ पे जो रेलवे के हित में जा रही है वो ये है कि नाम बदलने से किसी प्रकार का रेलवे को कोई भी
नुकसान या कोई बदलाव रेलवे के अंदर नहीं आया, यानी कि नाम सिर्फ नाम बदला है, ना किसी प्रकार की सैलरी में हाइक हुई है, रिक्रूटमेंट के प्रोसेस में कोई चेंज नहीं आया है, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो सेम है, सीनियोरिटी एंड एवेन्यूज ऑफ प्रमोशन सब सेम है, यानी कि रेलवे के ऊपर इसका किसी प्रकार का इम्पैक्ट जो है वो नहीं हुआ है, सिर्फ और सिर्फ इस नाम के बदलने से अगर मोटिवेशन आता है एम्प्लॉयज के बीच में तो वो बहुत ही ज्यादा एक सही दिशा में जाएगा और उससे ओवरऑल एफिशिएंसी जो है वो बढ़ेगी। अगर हम रेलवे अधिकारियों की माने तो अब ट्रेन मैनेजर की पोस्ट के साथ ये सभी लोग जो है वुड बी हैविंग अ डिग्निफाइड डेजिग्नेशन, इनके पास एक सम्मानजनक पदनाम जो है वो होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इट वुड नॉट हैव एनी फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस, यानी कि रेलवे को कुछ भी एक्स्ट्रा पे नहीं करना है, कोई अपने काम करने के तरीके में बदलाव नहीं कर रहे हैं, एक छोटा सा चेंज सिर्फ डेजिग्नेशन बदलने से ये लोग जो अपने करंट डेजिग्नेशन से खुश नहीं थे, नाउ दे कैन लीड अ रिस्पेक्टफुल लाइफ इन दिस सोसाइटी। तो अपने एम्प्लॉयज का ध्यान रखते हुए ताकि वो एक सम्मानजनक जीवन व्यतीत कर सके, ये फैसला रेलवे द्वारा लिया गया है। हालांकि यहां पर भी कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये कदम जो है गार्ड को मैनेजर या असिस्टेंट ट्रेन मैनेजर का पद जो है वो देना, ट्रेन मैनेजर का इस्तेमाल करना उस गार्ड पोजीशन के लिए, ये कॉरपोरेटाइजेशन ऑफ रेलवे की तरफ एक कदम हो सकता है। निगमीकरण, जिस तरीके से कॉरपोरेट्स काम करते हैं, कॉरपोरेट्स के अंदर हर एक चीज को मैनेज करने वाले जो पोजीशंस है वो मैनेजरियल पोस्ट कहलाती हैं, तो जिस तरीके से कॉरपोरेशंस काम करती हैं उसी दिशा में रेलवे को चलाने के तरफ जो है ये इशारा करता है, ऐसा मानना है कुछ रेलवे विशेषज्ञों का। अब कॉरपोरेटाइजेशन ऑफ रेलवेज क्या है, आपने प्राइवेटाइजेशन के बारे में तो सुना होगा, जहां पर करीब 5% रेलवेज जो हैं उनको ऑपरेट करने का और उनको पूरा का पूरा संचालित करने का जिम्मा जो है वो प्राइवेट एंटिटीज को दिया जाएगा। लेकिन कॉरपोरेटाइजेशन ऑफ रेलवेज क्या है, कॉरपोरेटाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन में एक छोटा सा बेसिक डिफरेंस है। यहां पर क्या होता है, किसी भी सरकारी एजेंसी को कॉरपोरेशन में बदल दिया जाता है, यानी कि कोई गवर्नमेंट बॉडी थी अब उसको कॉरपोरेशन बना दिया है। कॉरपोरेशन दरअसल ऑटोनॉमस बॉडीज होती हैं, इंडिपेंडेंट बॉडीज होती हैं। तो इट इज द इम्पोजिशन ऑफ कॉरपोरेट वैल्यूज और प्रैक्टिसेस विदाउट गिविंग द इंस्टीट्यूशन इन द हैंड्स ऑफ प्राइवेट प्लेयर्स, डायरेक्टली प्राइवेट प्लेयर्स को ना देकर के पूरा का पूरा जो सेटअप है, अगर हम किसी भी गवर्नमेंट बॉडी को कॉरपोरेशन बनाते हैं तो वो अपने आप में एक स्टेप हो जाता है उस बॉडी की ऑटोनॉमी को, इंडिपेंडेंस को इम्प्रूव करने का। तो यही कुछ यहां पर करने की कोशिश जो है शायद रेलवे द्वारा की जा रही है। तो रेलवे ने दरअसल कॉरपोरेटाइजेशन की बात आई कहां से, 2020 में भारतीय रेलवे ने इस बात की घोषणा करी थी कि रेलवे के जितने भी प्रोडक्शन यूनिट्स हैं जहां पर रेलवे की जो बोगीज है वो बनाई जाती है, उन सभी प्रोडक्शन यूनिट्स को ग्रेजुअली एक एक करके कॉरपोरेशंस में बदल दिया जाएगा। अभी तक वो कंप्लीटली गवर्नमेंट एंटिटीज थी लेकिन अब उनको कॉरपोरेशन बना दिया जाएगा। और 2020 में भारतीय रेलवे ने इस चीज की घोषणा करी और इसकी शुरुआत हुई मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली से। 7 प्रोडक्शन यूनिट्स हैं भारतीय रेलवे के जहां पे ट्रेन की बोगीज बनाई जाती हैं, उनमें से एक मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली को कॉरपोरेशन बनाने की और जो है वो 2020 में इस बात की घोषणा करी थी। पहले रेलवे का प्लान ये था कि एक ही साथ जितने सारे के सारे जो प्रोडक्शन यूनिट्स हैं उनको वन गो में ही मर्ज करके एक सिंगल रेलवे रोलिंग स्टॉक कंपनी बना दी जाए, यानी कि सारे के सारे जो रेलवे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जो अभी तक गवर्नमेंट बॉडीज थी उन सबको मर्ज करके एक साथ मिला करके एक सिंगल कॉरपोरेशन जिसको नाम रेलवे रोलिंग स्टॉक कंपनी दिया जाएगा उस रूप में बना दिया जाए। लेकिन बाद में इस डिसीजन को रीथिंक किया गया और ये डिसाइड हुआ कि ग्रेजुअली वन बाय वन इन यूनिट्स को जो है वो कॉरपोरेशंस में बदला जाएगा। करंटली रेलवे के पास 7 प्रोडक्शन यूनिट्स हैं जिसमें आते हैं चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स जो कि चितरंजन वेस्ट बंगाल में मौजूद है, डीजल लोकोमोटिव वर्क वाराणसी, डीजल लोको मॉडर्नाइजेशन वर्क्स पटियाला, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई, रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला, रेल व्हील फैक्ट्री मंगलूर और मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली। इसमें से मॉडर्न कोच फैक्ट्री जो MCF रायबरेली कहलाती है इसको कॉरपोरेटाइजेशन करने की दिशा में 2020 में इंडियन रेलवेज ने फैसला किया था। और ये जो डिसीजन है अब गार्ड को असिस्टेंट मैनेजर बनाने का उसको इस चीज के साथ लिंक करके देखा जा रहा है।
अब एक बार जब कॉर्पोरेटाइजेशन हो जाती है इन प्रोडक्शन यूनिट्स की, तो ये प्रोडक्शन यूनिट्स, ध्यान दीजिएगा बेसिक डिफरेंस क्या है, ये प्रोडक्शन यूनिट्स प्राइवेट नहीं हो जाएंगे, लेकिन ये इंडिविजुअल कंपनीज, इंडिविजुअल कॉर्पोरेशंस बन जाएंगी, विच विल मोर बी एन ऑटोनॉमस बॉडी, जो अपने आप में एक स्वायत्त निकाय होगी। जब ऑटोनॉमस बॉडी है तो ये कॉर्पोरेशंस जो है वो दे वुड बी इंडिपेंडेंट टू टेक देयर डिसीजंस। अगर किसी प्रकार का कोई फैसला लेना है, अगर टेक्नोलॉजी अपग्रेड करना है, कोई भी बदलाव अगर प्रोडक्शन प्रोसेस में लाना है, तो उसके लिए अब सरकार की और रेल मंत्रालय की मंजूरी की जरूरत नहीं होगी। ये बॉडीज जो है इंडिविजुअली कॉर्पोरेशंस की तरह काम करते हुए ऑटोनॉमस तरीके से अपने चेंजेस जो है वो कर पाएंगे, जिससे अल्टीमेट एफिशिएंसी इनकी इंप्रूव होगी। तो प्रोसेस वही रहेगा, लेकिन होगा क्या कि अब ये सरकारी इकाइयां ना होकर के कॉर्पोरेशंस निगम बन जाएंगे। अब अगर गवर्नमेंट बॉडी है तो कोई भी अगर बदलाव करना है उसमें एक पूरा का पूरा प्रोसेस जो है वो फॉलो करना होता है, लेकिन अगर ये कॉर्पोरेशंस के रूप में काम करते हैं तो फिर they are independent to take certain decisions of their own, जिससे ultimately decision making process जो है वो easy होगा और efficiency जो है railways की वो बढ़ सकती है। तो ये पूरा का पूरा news article इसके विषय पे हम लोग बात कर रहे थे। railway में अधिकारी guard जो है उनको अब train manager के नाम से जाना जाएगा। I hope हमको विस्तार से ये article समझ में आया होगा। दोस्तों civil services के लिए अगर आप prepare कर रहे हैं, studyiq.com या studyiq की app पर आपके लिए बेहतरीन smart courses available हैं। 2022 के UPSC exam को target करते हुए एक specialized course शुरू किया गया है। इस course में enroll करें और अपनी preparation को बहुत बेहतर बनाएं। Thank you very much. All the best. Keep working hard. Bye bye. Take care. जय हिंद।